रहे हालात से पूरी दुनिया चिंतित है। ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। ऐसे में बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। गुरुवार को किशनगंज के पास इस्लामपुर सीमा तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक पहुंच गए। ये लोग भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे भारत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करती गई। किशनगंज सीमा पर जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश का मुद्दा हर कहीं पर छाया हुआ है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है, लोगों की हत्या तक की जा रही है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हजारों बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज है, तो बिहार में भी सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलते ही बीएसएफ हरकत में आ गया। बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि दो बीओपी में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18, किशनगंज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने दुख जताया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। उन्होंने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से भी आगे आने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद भारत और हम बिहार शाखा जो भी है, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वहाँ के हिंदुओं के हित के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसके लिए सरकार क्या करे, हमारी भारत सरकार क्या करे, इसके लिए तो हम कार्यरत है ही हैं। सरकार के पर हम लोग दबाव बना ही रहे हैं, साथ साथ हम इन प्रेस माध्यमों से दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी मानवाधिकार से संबंधित व्यक्ति हैं, जो मानवाधिकार पर काम करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि आज बांग्लादेश में सफर होते हुए कहते हैं परेशान होते हुए हिंदुओं की रक्षा करें। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।